विजया एकादशी व्रत कथा। एकादशियों का महात्म्य सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रस पाने के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? कृपा करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजयश्री मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह एकादशी उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता माता की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण जी की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री राम जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री राम जी सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा आयोजन दूर कुमारी द्वीप में वग्दालव्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं, वे ही आपको विजयश्री का उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुन श्री राम जी वग्दालव्य ऋषि के आश्रम में गए, उन्हें प्रणाम कर एक और बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देख महर्षि वग्दालव्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहें प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वग्दालव्य ने कहा, हे श्री राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजयश्री अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ? जिसके करने से समस्त क्षेत्रों में विजयश्री की प्राप्ति होती है, जिज्ञासु हो श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वग्दालव्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाए।
इस कलश को जल से भरकर तथा इस पर पंच पल्लव रख उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सत नजा अर्थात सात तरह के अनाज मिले हुए और ऊपर जो रखें, उस पर विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान श्रीहरि की पूजा करें। सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी इसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दान दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेंगी। मुनि के वचन सुन श्री राम जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय की प्राप्ति की। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है पढ़ता है उसे वाष्पेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कथा का सार। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। श्री राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाले इस उपवास को करके अनंत फल के भागी बन सकते हैं। जय श्री हरि।